भाई आ गई बोंग की बोटी और अब आएगी नियारी गर्मा गर्म। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग भी बड़े परेशान होंगे कि आजकल यार भाई मलीर और कुरंगी से बाहर नहीं निकल रहा। उसकी वजह यह है कि कुरंगी में ज़रा मेरा इलाज चल रहा है, ज़रा जिनके पास पट्टियाँ करवाने आता हूँ तो उसी वजह से हम इर्द गिर्द की तरह दुकानें ढूंढ रहे हैं खाने की, तो लोकेशन आपको बता सके। तो इसी बहाने कुरंगी एक्सप्लोर हो रहा है, तो हमने आपको गुजिया मुन्ना गुजिया दिखाई, इसके दीगर चीज़ें कुरंगी के अंदर होती हैं मच्छी। तो आज हम कुरंगी की निहारी खाने के लिए आए। मलिक निहारी बड़ी मशहूर है, कुरंगी ढाई मेन कुरंगी ढाई जहाँ पर इनकी ये शॉप है, और बड़ा लोग तो रिकमेंड कर रहे थे कुरंगी वाले के भाई बड़ी अच्छी निहारी होती है। तो सोचा हमने आज क्यों ना इसी बहाने ट्राई कर लिया जाए कि निहारी कैसी होती है। और वैसे मेरा हाथ माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया, तो एक आध दिन के अंदर ये पट्टी वट्टी सब उतर जाएगी। तो बस वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि जायका कैसा है, या बस कुरंगी वाले हैं भाई तारीफ़ें करते हैं इनकी। अच्छा भाई देखिए, ये है कुरंगी ढाई और यहाँ का ये पुल, और जिस तरीके से सामने पेट्रोल पम्प और सामने आपके डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है, और ये उसी कोने पर मौजूद है। तो इसकी गूगल लोकेशन हम पिन लोकेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। और यही रास्ता यहाँ से कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जा रहा है, और ये रास्ता जा रहा है लांडी की तरफ। कौन कौन सी निहारी होती है? हम नारी खाने के लिए आए। निहारी खाने के लिए हमारे पास नली निहारी होती है, मगध निहारी होती है, बीफ निहारी होती है। अच्छा। और ये चीज़ें दो चीज़ें जो है हमारे पास रात को होती हैं ज़्यादातर, नली और मगज। नली और मगज अभी शादी होगी इस टाइम वाली, ये बीफ निहारी मिलेगी, चिकन निहारी। इधर दिखाएं, खोल के दिखाएं, इधर खुद पकाते हैं ये? देख में क्यों रखी हुई है ये? क्या पकवा कर आते हैं आप लोग? नहीं, ये ग्रेवी होती है देख में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये इसकी ग्रेवी है। सही ग्रेवी है। तो ये आप लोग इसका रोगन है, ये इसका रोगन है, दिखाएं जरा, खोल के दिखाएं रोगन। माशाल्लाह भाई रोशन सही। और ये पकाते हैं आप लोग अपने पकवान के अंदर है? हमारा शेर खुद पकाता है। अच्छा, पकवान सेंटर, पकवान सेंटर में। और ये गोश्त है इसका? ये इसकी बोटी है। ये बोटी है? हाँ, बड़ी बोटी होती है जो गलने में आती है। हाँ बिल्कुल, बोंग की गोटी है ना, बोंग की बोटी है आपके पास। तो कितने रुपए की प्लेट है ये? 250 रुपए की प्लेट। 250 रुपए की प्लेट है। तो माशाल्लाह कहाँ कहाँ से लोग आते हैं खाने के लिए? माशाल्लाह भाई इतना तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मलीर से, सदर से, समझा, कुरंगी पूरा आता है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। तो ये अभी इसके अलावा और क्या क्या होता है आपके पास? जरा खोल के दिखाएं जरा। ये चिकन कौरमा है जी। ये चिकन कौरमा है, दिखाएं जी, चिकन कौरमा है, ये चिकन कौरमा है। अच्छा जी, अंडा चना है, अंडा चना होता है, सारी चीज़ें। लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी निहारी मशहूर है। निहारी और ये क्या है? ये कीमा? ये आलू कीमा मटर है जी। आलू कीमा मटर है। तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर आपको चने की दाल, लौकी होती है, माछ की दाल होती है। अच्छा, टाइमिंग क्या होती है, किस वक्त से शुरू हो जाती है निहारी? ये जनाब हमारा होटल जो है 1 घंटे के लिए बंद होता है सुबह के टाइम। अच्छा, 1 घंटे के लिए? हाँ, निहारी हर वक्त मौजूद होती है। निहारी जो हमारी 12-1 बजे ख़त्म हो जाती है, फिर सुबह 11 बजे आती है दोबारा। सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक, ठीक है जी। तो ज़्यादातर आपके रात में रश होता है निहारी के अंदर? तो भाई आ गई बोंग की बोटी और अब आएगी निहारी गर्मा गर्म। वाह भाई वाह। तो भाई ये हमारी निहारी आ गई है, और ये सारी लवाजमात, और गर्मा गर्म तंदूर की रोटियां। तो जी गर्मा गर्म तंदूर की रोटियां आ गई हैं, पर हमने ज़रा इनसे ये बोला है कि ज़रा एक रिक्वेस्ट की, ज़रा कौरमे की, कौरमा भी दिखाएं, चिकन कौरमा। पहले हम निहारी के लिए आए, तो निहारी पर फोकस करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, देखने में खूबसूरत है, तो भाई पहला मेरा उसूल वही है कि कुछ मिलाए बगैर आपने खानी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमताज़ निहारी टाइप का जायका है इसका, जो नाज़ामत की हमने बनाई थी, लेकिन अच्छे के लिए उससे बेहतर जायका लगा मुझे, क्योंकि प्रॉपर मसाले महसूस होते हैं। निहारी का जो जायका है बहुत चटपटी नहीं है, लेकिन जायका बहुत अच्छा है। ये देखें, रोगन निकालें इसका ज़रा, और उसके बाद हिलाएँ, और ये देखें लेस है ना, गाढ़ापन है निहारी के अंदर, पाई के अंदर गाढ़ापन ना हो तो मज़ा नहीं आता। अच्छा, ये निहारी खाने के बाद ना मतलब जैसे अमूमन घरों में बनती है ना, बहुत ज़्यादा कमर्शियली तौर पर नहीं लग रही मुझे ना ये, बहुत चटपटी सी। जैसे आप घर के अंदर बनाते हो ना, कि एक अच्छे मसालों के साथ और एक बैलेंस कॉम्बिनेशन, तो घर वाला रायका निहारी के अंदर। अच्छा, घर वाली बन रही है, तो उसकी ख़ास बात ये भी है कि ये भारी नहीं है, ये नहीं लगेगा आपने यहाँ तक खा लिया। नहीं, अभी तक जितनी खाई है बहुत लाइट महसूस हो रहा है। मतलब निहारी थोड़ी हैवी होती है, मगर उतनी हैवी नहीं है जितनी दीगर कमर्शियली जो तौर पे बन रही कराची के अंदर, वैसी नारियों की तरह नहीं है। अब खाते हैं जरा बोटी के साथ, जरा करीब दिखाएं सिकंदर भाई बोटी तोड़ते हुए। ये सिकंदर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये बोटी के साथ, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि गोश्त ज़्यादा मज़ा करेगा, लेकिन एक ऐसा जायका आया तो मतलब गोश्त में इतनी जान नहीं है इनके। तो अब आ गई जी लवाजमात, जरा लवाजमात ये देखें भाई, तो जायका चख लिया हमने, इसके लवाजमात चखें, हरी मिर्च, अदरक, लीमू तो छड़का ही नहीं हमने यार।
ठीक है सर। भाई व्हाट इज़ दिस यार, आप बता भी नहीं रहे हो यार। देखो आओ भाई लीमू छड़ के तरफ, ये देखें भाई लीमू छड़ के ऐसे करके ये लीमू के पास आगे निख रहा है भाई। सर बेहतर बहुत न्यारी इतनी जानदार होती कि उसमें अगर आप ये ऊपर से टॉपिंग के लिए ना अगर मिर्चे या अदरक ना भी डालो तो तब भी मज़ा करती है, लेकिन इसमें आपको ज़रूरत पड़ रही है। वैसे ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी निहारी, अच्छी निहारी है और ख़ुसूसन जो कोरंगी और लांडी के गिरदोनवा में रहते हैं उनके लिए अच्छी है, क्योंकि उनको जाहिर इदरीस या लियाकतबा की गुजर निहारी थोड़ी दूर पड़ती है, लेकिन इलाकई लिहाज से बहुत अच्छी है। तो आप ज़रूर आके ट्राई कर सकते हो, और अगर गुजर रहे हैं कुछ निहारी खाने को दिल चाह रहा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने ज़रा इनका कौरमा भी मंगाया था, मगर ज़रा ग्रेवी लेकर आए, कौरमे की चिकन करे कौरमे की ग्रेवी है ये, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद सिकंदर भाई आपसे बात करेंगे। बहुत सोसो सा कौरमा है, न्यारी बहुत बेहतर है। तो भैया सिकंदर भाई की बारी, अब वो आपको बताएंगे अपना एक्सपर्ट ओपिनियन उनको कैसी लगी। भाई सिकंदर भाई अच्छी है, सही है न्यारी, जैसे आपने बताया हम उसको जायद से या जावे से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एरिया वाइज अच्छी है नियारी, अच्छा टेस्ट है, प्रॉपर जैसे नियारी का टेस्ट होता है वही चीज़ है। मसाला वसाला सही लगे आपको? हाँ मसाले स्पाइसेस वगैरह सब सही है, सब सही है। तो फिर वीडियो को इंतजाम करें। हाँ इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।